Hello everyone, welcome back to Banik Smart Class with a new session. आज का जो session है वो cube के ऊपर आज का session है, लेकिन cube जो topic है बहुत ही बड़ा topic है, तो हम लोग पूरा topic आज cover नहीं करेंगे, उसका एक specific concept भी मैं आपको बताऊंगा. Clear? आप लोग देखे होंगे SSC level के exam में definitely cube एक mark पूछता है, तो उसमें बहुत तरह का क्वेश्चन भी आता है क्यूब में, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, लेकिन हम लोग एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चन में आज यहाँ पे डिस्कशन करेंगे. क्लियर? वो क्या है कॉन्सेप्ट या क्या है जो क्वेश्चन क्या पूछता है वो एग्जाम में, जिसके बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे कि फाइंड आउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस, फाइंड आउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस. क्लियर? तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को दो चीज बहुत जरूरी होता है. क्या होता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल कट, और द सेकेंड वन इज एन. तो ये दो चीज अगर आपको पता है, या ये कैसे फाइंड आउट होता है ये आपको अगर पता है, देन आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा. लेकिन ये जो क्वेश्चन है या जो कॉन्सेप्ट है फाइंड आउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस, ये क्वेश्चन अगर वो पूछ रहा है तो डेफिनेटली हम लोग के पास कट गिवन रहेगा. क्या गिवन रहेगा? कट हम लोग के पास गिवन रहेगा. हम लोगों को सिर्फ एन फाइंड आउट करना है, देन हम लोग बता सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस कितना आएगा. क्लियर? तो पहले मैं बताता था एन से मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस कैसे आएगा, या एन से हम लोग कट कैसे निकालेंगे, कट से हम लोग एन कैसे निकालेंगे, देन उससे मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस कैसे निकालेंगे, ये मैं आपको अभी बता देता हूं. देखिए, तो एन क्या है? एन होता है जो एन जो होता है हम लोग का एन होता है नंबर ऑफ रेशियो होता है. तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो लार्ज बाय स्मॉल होता है, लार्ज बाय स्मॉल होता है. एन का फॉर्मूला जो होता है लार्ज बाय स्मॉल होता है. क्लियर? अगर मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस चाहिए, अगर मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस चाहिए, अगर मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस चाहिए, तो मैं एन क्यू करूंगा. तो एन क्यू का मतलब क्या होता है? एन को थ्री टाइम मल्टीप्लाई करना, एन को थ्री टाइम मल्टीप्लाई करना. क्लियर? एन को कितना टाइम मल्टीप्लाई करना? थ्री टाइम मल्टीप्लाई करना. अगर एन को मैं थ्री टाइम मल्टीप्लाई कर रहा हूं, उसको बाय डिफॉल्ट मैं लिख सकता हूं एन क्यू करके. अगर मेरा नंबर इक्वल है, अगर मेरे पास मान लीजिए इसका भी टेन है, इसका भी टेन है, इसका भी टेन है, तो 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से बेटर है हम लोग उसका 10 का क्यूब ले ले. अगर नंबर कुछ गलत है, अगर मान लीजिए नंबर में कुछ मिसमैच है, अगर एक जगह पे 10 है और एक जगह पे 11 है, तो इस क्या करेंगे हम लोग, इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, n इंटू n इंटू n कर देंगे. क्लियर? तो ये तो बात हो गया n कहां से आया. अब चलते हैं कि कट कहां से आएगा. अब चलेंगे कहां पे कट कहां पे आएगा. तो कट कहां पे आता है? n माइनस 1 होता है कट. कट क्या होता है? n माइनस 1 होता है कट. तो n जितना निकलेगा उसका माइनस वन करेंगे तो कट आएगा. अगर मान लीजिए आपके पास n को फाइंड आउट करने के लिए पूछा गया है, n को फाइंड आउट करने के लिए पूछा गया है, और गिवन क्या है? कट गिवन है. गिवन क्या है? कट गिवन है. तो आप लोग निकाल सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस. यस, कैसे? तो यहां पे निकालेंगे n इक्वल टू कट प्लस वन. क्योंकि देखिए, अगर कट इक्वल टू n माइनस वन हो रहा है, तो दैट मीन्स आप लोग निकालेंगे एन इंटू एन इक्वल टू कट प्लस वन. तो एन को इधर लाइए, कट को उधर लीजिए, बात हो गया. आपके पास क्या गिवन होगा? आपके पास कट गिवन होगा. आपके पास क्या गिवन होगा? आपके पास कट गिवन होगा. तो प्लस वन कीजिए, और जितना भी वैल्यू आएगा एन का जितना भी वैल्यू आएगा उससे क्या कीजिए, एन क्यूब कीजिए, या उसको एन को थ्री टाइम मल्टीप्लाई कीजिए, और या उसको एन को थ्री टाइम मल्टीप्लाई कीजिए. अगर वैल्यू सेम आ रहा है तो एन क्यूब ले लीजिए, या अगर वैल्यू डिफरेंट आ रहा है तो मल्टीप्लाई कीजिए. जितना भी वैल्यू आएगा उसको थ्री टाइम मल्टीप्लाई कीजिए. समझ में आ गया? ये बात बहुत जरूरी है हम लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कि एन क्या है, कट कहां से आता है, कट से हम लोग एन कैसे निकाल सकते हैं. क्योंकि मैं फर्स्ट बोला था कि जो क्वेश्चन है ये फाइंड आउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस, यहां पे डेफिनेटली क्वेश्चन में हमको कट गिवन रहेगा. अगर कट गिवन है तो हम लोग एन निकाल सकते हैं, और उससे हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस निकाल सकते हैं. क्लियर? तो यहां पे अब बात आता है कि जो कट जो गिवन रहेगा आपके सामने, कट दो तरह से होता है, एक डिविजिबल बाय थ्री होता है और एक नॉट डिविजिबल बाय थ्री होता है. आप लोग पूछेंगे सर व्हाई, आप लोग या मैं व्हाई, मैं क्यों बता रहा हूं कि डिविजिबल बाय थ्री और नॉट डिविजिबल बाय थ्री, बिकॉज ऑफ क्यूब हम लोग पढ़ रहे हैं तो डिविजिबल बाय थ्री मेथड ही चलेगा. क्लियर? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? क्यूब पढ़ रहे हैं. तो क्यूब का कितना होता है? तीन होता है. तो दैट मीन्स डिविजिबल बाय थ्री और नॉट डिविजिबल बाय थ्री. इसलिए ये मैं बोला कि कट दो टाइप के आपके सामने गिवन रहेगा, एक होगा डिविजिबल बाय थ्री और एक होगा नॉट डिविजिबल बाय थ्री. या आप लोग ऐसे भी इसको बोल सकते हो, या आप लोग ऐसे भी इसको बोल सकते हो. यहाँ पे दो तरह से मेथड है या केस है. द फर्स्ट केस इज डिविजिबल बाय थ्री एंड द सेकंड केस इज नॉट डिविजिबल बाय थ्री.
The first case is divisible by 3 and the second case is not divisible by 3. ये दो केस को हम लोग डिफाइन कर लेंगे या एक्सप्लेन कर देंगे, देन हम लोग का पता चल जाएगा कि अगर फाइंड आउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस पूछता है तो हम लोगों को क्या मेथड यूज करना है या क्या केसेस यूज करना है, देन उसके बाद हम लोग क्या आंसर हम लोग का आएगा. क्लियर? तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पे दो केसेस है, तो पहला केसेस है डिविजिबल बाय 3, तो सेकेंड है नॉट डिविजिबल बाय 3. तो पहले चलेंगे डिविजिबल बाय 3. क्लियर? तो डिविजिबल बाय 3 जाने के लिए मैंने क्या बोला आपके सामने, डेफिनेटली क्या गिवन रहेगा आपके सामने, डेफिनेटली कट गिवन रहेगा. ये एग्जांपल को हटा दीजिए, ये एग्जांपल को हटा दीजिए, पहले यहां पे आइए. नंबर ऑफ कट्स इज डिविजिबल बाय 3 अगर मेरे पास है तो मैं क्या अप्लाई करूंगा, मेरा कंसेप्ट या फॉर्मूला क्या होगा, एन इक्वल टू, मैंने क्या बोला एन आपको निकालना बहुत जरूरी है, एन निकालना बहुत जरूरी है क्योंकि उसका क्यू करेंगे तो जाके मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस आएगा. तो एन इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ कट्स बाय 3 प्लस 1. ये प्लस वन क्यों किया जा रहा है पता है, मैंने बोला था कि कट इक्वल टू एन माइनस वन होगा, तो एन इक्वल टू कट प्लस वन होगा, तो ये कट प्लस वन है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस इक्वल टू एन क्यूब. क्लियर? समझ में आ गया? अगर ये डिविजिबल बाय 3 है तो मुझे ये कंसेप्ट यूज करना है या ये फॉर्मूला मुझे यूज करना है. अब क्वेश्चन पे चलिए, पहला एग्जाम्पल मैं दिखा देता हूं. पहला एग्जाम्पल आपके सामने क्या था, मैक्सिमम नंबर ऑफ आइडेंटिकल पीसेस ऑफ ए क्यूब दैट कैन बी कट बाय 30 कट्स आर. मैंने बोला था स्टार्टिंग से आपके पास कट गिवन रहेगा, आपके पास क्या गिवन रहेगा, कट गिवन रहेगा. यहां पे देखिए कट गिवन है, कितना कट गिवन है, 30 कट गिवन है. तो अगर 30 कट गिवन है, 30 इज डिविजिबल बाय 3, यस इज 30 इज डिविजिबल बाय 3, यस इज 30 इज डिविजिबल बाय 3. अगर 30 इज डिविजिबल बाय 3 है तो ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिए. तो क्या मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, एन इक्वल टू 30 बाय 3 प्लस 1, दैट मीन 10 प्लस 1 इक्वल टू 11. तो एन मेरा कितना निकल गया, 11. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस कितना निकलेगा, एन क्यूब निकलेगा. तो एन क्यूब मतलब 11 का क्यूब, तो 1 3 3 1. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ आइडेंटिकल पीसेस कितना निकल गया, 1 3 3 1. आ गया समझ में? क्लियर? अगर मेरा कट्स डिविजिबल बाय 3 है तो ये मेरा कंसेप्ट है, बाय ये मेरा फॉर्मूला है. जितना कट्स है बाय 3 कीजिए, प्लस 1 कीजिए, जितना वैल्यू आएगा उसका क्यूब कीजिए, बात खत्म. और एक एग्जांपल दिखा देता हूं, और एक छोटा सा एग्जांपल दिखा देता हूं. यहां पर आ जाएगा 18, यहां पर आ जाए 18. 18 इज डिविजिबल बाय 3, यस इज डिविजिबल बाय 3, देन प्लस 1 कीजिए, 6 प्लस 1 इक्वल टू 7. तो 7 का क्यूब लीजिए, 7 का क्यूब कितना, 3 4 3 कर जाएगा. इनका क्यूब कितना आ रहा है, 3 4 3 कर जा रहा है. क्लियर? बात समझ में आ गया? अब चलिए कहां पे, सेकंड वाला केसेस. क्या केसेस था हम लोग का, मैंने बोला दो केसेस है, तो पहला केसेस था डिविजिबल बाय 3 और द सेकंड वाला है नॉट डिविजिबल बाय 3. आई होप कि डिविजिबल बाय 3 वाला कांसेप्ट आपको याद आ गया होगा. मुझे क्या करना है, सिर्फ जो कर्स दिए गए हैं उसको सोचना है कि डिविजिबल बाय 3 होगा या नॉट डिविजिबल बाय 3 होगा. जैसे कि एग्जांपल था 30, 30 इज डिविजिबल बाय 3, 18 इज डिविजिबल बाय 3, 24 इज डिविजिबल बाय 3, देन और 33 इज डिविजिबल बाय 3. क्लियर? ये सब डिविजिबल बाय 3 वाले नंबर है, तो आपको दिमाग में इजीली आ जाएगा समझ में कि डिविजिबल बाय 3 है या नॉट डिविजिबल बाय 3 है, क्या कर्स. उसके बाद अगर डिविजिबल बाय 3 है तो बाय 3 कीजिए, प्लस 1 कीजिए, वैल्यू निकालिए, उसका क्यूब ले लीजिए, जितना वैल्यू आएगा आपको फाइनल आंसर आपके सामने रहेगा. क्लियर? मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, बहुत ही इजी कंसेप्ट है. अब कहां पे जाना है, नॉट डिविजिबल बाय 3. अगर नॉट डिविजिबल बाय 3 है तो उसके लिए देखिए आ गया मेरे सामने क्या, नॉट डिविजिबल बाय 3 में, नॉट डिविजिबल बाय 3 में आ गया मेरे सामने. देखिए ये क्या आ गया कि यहां पे क्वेश्चन में है द नंबर ऑफ कट्स इज नॉट डिविजिबल बाय 3, द मैक्सिमम नंबर ऑफ आइडेंटिकल पीसेस ऑफ ए क्यूब दैट कैन बी कट बाय 4 कट्स. देखिए 4 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, 4 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, 4 कभी भी डिविजिबल बाय 3 नहीं हो सकता है. तो इसके लिए हम लोग जो फॉर्मूला जो देखे थे वो फॉर्मूला क्या देखे थे, डिविजिबल बाय 3 के लिए एन इक्वल टू कट्स नंबर ऑफ कट्स बाय 3 प्लस 1. ये फॉर्मूला यहां पे यूज नहीं होगा. तो यहां पे क्या यूज होगा मैं बता रहा हूं. देखिए तो हम लोगों को क्या चाहिए था, हम लोगों को एन चाहिए था, उसका क्यूब निकालेंगे देन जाके हम लोग को फाइनल आंसर मिलता था. तो यहां पे हम लोगों को क्या गिवन है, कट गिवन है, तो यहां पे कितना दिया गया, 4 कट्स दिया गया, तो 4 इज नॉट डिविजिबल बाय 3 है, हम लोग को पता है. तो मैंने क्या बोला था, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एन का क्यूब निकालना पड़ेगा. मतलब हम लोग को पहले एन फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो एन अगर फाइंड आउट करना है तो हम लोग के पास गिवन क्या है, कट गिवन है.
तो कर्ज हम लोग एन कैसे निकालेंगे, मैं आपको ये पहले से बता चुका हूं, तो चलिए देखते हैं। तो पहले मैंने ये लिख दिया कर्ज, क्योंकि मेरे पास गिवन है कर्ज। तो कर्ज से एन तक कैसे जाएंगे, प्लस वन करने से एन तक चलेंगे। तो आ गया मैंने कर्ज से एन तक। अब मुझे ये जो फोर कर्ज है उसको कैसे अप्लाई करना है यहां पे, उसके बाद प्लस वन करके एन कितना लाना है, ये मुझे डिसाइड करना है, या ये मुझे अभी समझना है। क्लियर? तो देखिए, जो लास्ट टाइम जो हम लोग देखे थे वहां पे क्या देखे थे, जो भी नंबर कट था बाय थ्री कर रहे थे, क्योंकि जो होल नंबर था वो डिविजिबल बाय, या जो कर्ज था वो डिविजिबल बाय थ्री हो रहा था। लेकिन यहाँ पे डिविजिबल बाय थ्री नहीं है, लेकिन मुझे तीन भाग में पार्ट करना है, या तीन भाग में मुझे उसको बांटना है, जैसे कि हम लोग बाय थ्री कर रहे थे। किस लिए? क्योंकि तीन भाग में हम लोग उसको बांट रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उसको बाय थ्री करेंगे, मतलब क्या, तीन भाग में उसको हम लोग बांटेंगे। तो चार को अगर थ्री टाइम्स हम लोग बांटेंगे तो क्या क्या नंबर आएगा, ये दिमाग में पहले आना चाहिए। क्लियर? किसी के दिमाग में सर ऐसा आ सकता है, सर यहाँ पे वन लीजिए, यहाँ पे टू लीजिए, और यहाँ पे वन लीजिए, ये भी चार हो सकता है। नहीं तो सर वन लीजिए, और नहीं तो एक जीरो लीजिए, एक तो एक थ्री लीजिए, तीन भाग में हम लोग पार्ट कर रहे हैं। या किसी के दिमाग में सर वन लीजिए, टू लीजिए, टू लीजिए, सर मतलब जीरो टू टू ये करके लीजिए। क्लियर? कभी भी हम लोग जीरो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि द एंड ऑफ द रिजल्ट आप लोगों का कहां पे आ जाएगा, मिनिमम पे आ जाएगा। क्योंकि हम लोग क्या निकाल रहे हैं, हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस निकाल रहे हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस अगर निकाल रहे हैं तो इसके लिए हम लोगों को थ्री टाइम्स लेना पड़ेगा, लेकिन कोई दो नंबर जो होगा कंजुकेटिव टू नंबर्स, कंजुकेटिव टू नंबर्स को हम लोग थ्री टाइम्स अप्लाई करेंगे, कंजुकेटिव टू नंबर्स को हम लोग थ्री टाइम्स अप्लाई करेंगे, देन जाके हम लोग मैक्सिमम वैल्यू पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए फोर और फाइव, उसको मल्टीप्लाई करेंगे जितना वैल्यू आएगा। लेकिन अगर हम लोग ये कर रहे हैं, मतलब फोर के साथ अगर मल्टीप्लाई कर लीजिए, मान लीजिए टू मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उतना वैल्यू नहीं आएगा हम लोगों का, क्योंकि ये कंजुकेटिव नंबर है तो वैल्यू ज्यादा देंगे ये दो नंबर के हिसाब से। क्लियर? तो हम लोग को क्या करना है, कंजुकेटिव नंबर ही लेना है, लेकिन उसको थ्री भाग में पार्टीशन करना है। तो यहाँ पे फोर है तो कंजुकेटिव नंबर क्या क्या ले सकता हूं, वन और टू को मैं ले सकता हूं कंजुकेटिव नंबर। तो अब देखिए यहाँ पे और एक मैंने डाल दिया, मैंने क्या बोला था, दो कंजुकेटिव नंबर को लेना है लेकिन उसको थ्री टाइम्स यूज करना है, क्योंकि इसका एडिशन का वैल्यू जो है वो फोर आना चाहिए, इसका एडिशन का जो वैल्यू है वो फोर आना चाहिए। तो वन प्लस वन प्लस टू द वैल्यू विल बी फोर आएगा। क्लियर है? तो अब मुझे क्या करना है, ये मैंने कर्ज को डिवाइड कर दिया, मैंने जो फोर कर्ज था उसको मैंने डिवाइड कर लिया ऐसे थ्री भाग में। अब मुझे प्लस वन करना है, तो प्लस वन यहां पे भी कीजिए, प्लस वन यहां पे भी कीजिए, प्लस वन यहां पे भी कीजिए। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू आएगा टू, इसका वैल्यू आएगा टू, और इसका वैल्यू आएगा थ्री। क्यों मैंने मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मैं बताया था स्टार्टिंग से एन जो है, एन निकल गया अगर एक बार, उसका क्यूब लेके हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस निकाल सकते हैं। क्यूब क्यों ले रहे थे, क्योंकि नंबर जो थे सारे के सारे इक्वल थे, लेकिन यहाँ पे नंबर इक्वल नहीं है, यहाँ पे दो दो मतलब दो है और तीन है, तो नंबर इक्वल नहीं है, तो इसके लिए मल्टीप्लाई मैंने उसको किया। आप मल्टीप्लाई करके बताइए इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा कितना मेरे पास 12। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस यहाँ पे कितना आएगा 12। अगर मेरे पास कोई भी अगर लाइन पे फोर कर्ज है, मतलब फोर कर्ज है क्यूब में डाला जाता है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस वहां पे कितना आएगा 12 करके आएगा। क्लियर? ये कंसेप्ट समझ में आया? और एक एग्जांपल देता हूं, यही पे थोड़ा सा दिक्कत फील आप कर रहे होंगे, और एक एग्जांपल देता हूं आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि मैंने ये नंबर कहां से लाया और कैसे लाया। देखिए फाइव कर्ज है, मतलब मुझे कर्ज यहां पे लेना है, मुझे यहां पे कर्ज लेना है, देन प्लस वन करना है, देन एन करना है, ठीक है, देन फाइव कर्ज। तो फाइव कर्ज को आप बताइए, दो कंजुकेटिव नंबर मुझे लेना है लेकिन दो नंबर को थ्री टाइम्स यूज करना है, तो कैसे यूज करूंगा, टू कंजुकेटिव नंबर अगेन मैंने ले लिया वन और टू, क्योंकि इसी के बीच में अगर मैं ले रहा हूं तो फाइव तक मैं जा पाऊंगा, और क्या एक लूंगा दो। तो देखिए वन टू टू, इसको एडिशन कीजिए फाइव आएगा। क्लियर? या आप ऐसे बोल सकते हैं, दो कंजुकेटिव नंबर को थ्री टाइम्स यूज करके ऐड कीजिए जिसका वैल्यू फाइव तक आ सकता है। तो सबसे लोएस्ट नंबर है फाइव हम लोग का, मतलब नंबर में लोएस्ट क्या होता है, वन होता है, लेकिन हम लोग वन को अगर टू टाइम्स ऐड करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, टू तक आएगा, उसके साथ थ्री ऐड कर सकते हैं तो फाइव आ सकता है। कोई भी बच्चा ऐसे भी बोल सकता है, सर वन वन थ्री कीजिए तो वैल्यू फाइव ही आ रहा है। लेकिन अब देखिए वन वन थ्री करने से और वन टू टू करने से मैक्सिमम पीसेस किस में निकलता है, इसमें प्लस वन, इसमें प्लस वन, इसमें प्लस वन, तो टू प्लस थ्री मतलब मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आएगा वैल्यू 12। लेकिन यहां पे अगर करूंगा, यहां पे अगर वैल्यू प्लस करूंगा, यहां पे कितना आएगा वैल्यू देख लीजिए,
यहाँ पे आएगा प्लस वन, यहाँ पे प्लस वन, यहाँ पे प्लस वन, इसका वैल्यू आएगा थ्री, इसका वैल्यू थ्री, इसका वैल्यू टू, थ्री थ्री टू, उसका मल्टीप्लाई का वैल्यू कितना आएगा, ज्यादा आएगा क्योंकि हम लोग को मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस पूछ रहा है। क्लियर आएगा समझ में? मैंने क्यों बता रहा था कि कंजुकेटिव नंबर लेना है और कोई भी एक नंबर को दो टाइम्स यूज करना है। क्लियर अब आया समझ में? एक एग्जांपल मैंने दिखा दिया क्यों मैं क्यों 113 नहीं ले रहा हूं, क्योंकि वो मैक्सिमम पीसेस में नहीं जाएगा। क्लियर तब चलिए एन ऐड कीजिए प्लस वन एन निकालने के लिए, तो ये टू आ गया, ये थ्री आ गया, ये थ्री आ गया, इसका वैल्यू कितना आएगा देखिए 18 करके आया, इसका वैल्यू कितना आया 18 करके आया वैल्यू, क्योंकि उसको मल्टीप्लाई किया। आया समझ में? और एक कुछ नंबर मैं बता देता हूं, जैसे कि मान लीजिए 11 डिविजिबल नहीं है, 13 ये डिविजिबल नहीं है, तो 11 तक चलने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई बता सकता है क्या 11 तक चलने के लिए? 11 तक करने के लिए 4 4 3 कीजिए 11 आ जाएगा, 4 4 3 कीजिए 11 आ जाएगा। उसके बाद 13 तक चलने के लिए देखिए क्या मुझे करना होगा, 5 4 4 5 कीजिए 13 आ जाएगा, 4 4 5 कीजिए 13 आ जाएगा, 4 4 5 कीजिए 13 आ जाएगा आपके पास। क्लियर देखिए कंजुगेटिव नंबर 4 3 था, यहाँ पे कंजुगेटिव नंबर 4 5 है। क्लियर तो देखिए यहाँ पे दो टाइम्स यूज किया, यहाँ पे दो टाइम्स यूज किया, यहाँ पे कंजुगेटिव नंबर है, यहाँ पे कंजुगेटिव नंबर है। आप लेके सकते थे 20 लेके जा सकते हैं, 20 को लेने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को ये करना पड़ेगा 7 7 7 नहीं होगा 7 7 हाँ ये 7 7 6 लीजिए, 7 7 6 लीजिए 20 का आ गया, क्योंकि 7 7 कितना होगा 14 और ये प्लस करूंगा मैं 6 20। आया समझ में? तो कंजुकेटिव नंबर लेना है, कोई एक कंजुकेटिव नंबर को टू टाइम्स यूज करना है, बात समझ में आ गया? तो अब ये जो कंफ्यूजन था कि ये जो जो नंबर सब कट है उसको कैसे हम लोग कन्वर्ट करें ये नंबर में, ये फॉर्मेट में, ये आपको अभी समझ में आ गया होगा। मैंने बता दिया, 2-3 एग्जाम्पल भी मैंने दे दिया किस तरह से उसको कैसे बनाना है। क्लियर अब देखिए यहाँ पे अब इजीली ये जो भी क्वेश्चन आएगा आपके सामने कि फाइंड आउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस आप निकाल सकते हैं। आपको सिर्फ दो चीज याद करना है कि डिविजिबल बाय 3 हो रहा है नंबर सब कट या नॉट डिविजिबल बाय 3 हो रहा है। अगर 3 हो रहा है बाय 3 कीजिए, प्लस 1 कीजिए, उसका क्यूब लीजिए। अगर बाय 3 नहीं है देन उसको कंजुगेटिव नंबर को एडिशन कीजिए, जो भी वैल्यू आएगा उसके साथ प्लस 1 कीजिए, उसको मल्टीप्लाई कीजिए, वैल्यू आपका फाइनल आ जाएगा। क्लियर आई होप सारा का सारा जो कंसेप्ट है आपको समझ में आ गया होगा। और घर में जाके ये जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है ट्राई कीजिए, अगर कुछ है डाउट्स तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं। थैंक यू, चलिए थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव ए गुड डे।